Hyundai और किया की एक बात बहुत अच्छी है कि ये लोग टाइम टाइम पर अपनी कार्स में अपडेट देते रहते हैं। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 2022 किया सेल्टॉस के बारे में। किया सेल्टॉस का फेसलिफ्ट वेरिएंट ग्लोबली डेब्यू कर दिया गया है। किया सेल्टॉस को साल 2019 में भारत में लॉन्च किया गया था और करंट सिचुएशन ये है कि भारत की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली मिड साइज एसयूवी है किया सेल्टॉस। अभी इस कुछ टाइम पहले इसमें अपडेट किए गए थे, एक नया कलर ऐड किया गया था और स्टैंडर्ड 4 एयरबैग्स भी इसमें कर दिए गए थे, यानी सेफ्टी फीचर्स अपडेट किए गए थे और एक नया कलर ऐड किया गया था। लेकिन अब इसका फ्रंट फेशिया अपडेट किया गया है और भी बहुत सारे चेंजेस हैं जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल, यहां पर हम आपके लिए कारों से जुड़ी सभी अपडेट लाते रहते हैं। तो अब बात करते हैं 2022 किया सेल्टॉस के बारे में, जिसको साल 2022 के फोर्थ क्वार्टर में दुनिया भर में लॉन्च कर दिया जाएगा और ग्लोबली अनवील अभी इसको किया गया है। यहाँ पर कई सारे बड़े अपडेट आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको इसका नया बिल्कुल ही अपडेटेड फ्रंट फेशिया देखने को मिल जाता है, रिवाइज्ड हेडलैम्प और बिल्कुल ही नई एलईडी डीआरएल्स के साथ। साथ ही साथ काफी स्पोर्टी फ्रंट ग्रिल भी यहाँ पर आपको दी गई है। हालांकि जो फॉग लैम्प की पोजीशन थी, वहां पर जो लाइट्स हैं वो पहले के जैसे ही हैं, साइज थोड़ा सा कम किया गया है। साथ ही साथ लार्ज एयर डैम, स्पोर्टी स्कफ प्लेट। साइड प्रोफाइल की बात करें तो बिल्कुल ही नए अलॉय व्हील्स यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल नए डिजाइन के हैं। और रियर प्रोफाइल की बात करें तो बिल्कुल ही नया एलईडी टेल लैम्प सेटअप यहां पर आपको देखने को मिलता है और नया बम्पर डिजाइन यहां पर दिया गया है। रियर इसकी प्लेट भी काफी स्पोर्टी यहां पर दी जा रही है। इसकी जो इमेजेस निकल करके आई हैं, एक्सटीरियर के साथ साथ इंटीरियर की भी इमेजेस निकल करके आई हैं, जहां पर इंटीरियर में काफी बड़े चेंजेस यहां पर देखने को आपको मिल जाते हैं। जो ये ग्लोबल वेरिएंट है, इसका केबिन बिल्कुल ही रिवाइज्ड कर दिया गया है, बिल्कुल ही नई अपोल्स्ट्री और नई कलर स्कीम यहाँ पर ऐड की गई है। यहाँ पर जो एक आया है वो है पूरा ऑल ब्लैक फिनिश के साथ, दूसरी जो इमेज सामने आई है वो है ब्राउन एंड ब्लैक फिनिश के साथ, यानी डुअल टोन फिनिश के साथ यहाँ पर मिल रहा है। और जो इसका क्लस्टर और इंस्ट्रूमेंट सिस्टम है वो XUV700O की तरह एक सिंगल डिस्प्ले क्लस्टर में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम एक सीधी लाइन में दिख रहा है, जो कि इसको और भी ज्यादा टैकी बनाता है। साथ ही साथ जो कनेक्टेड कार के फीचर्स थे उनको भी अपडेट किया जाएगा और जो केबिन है उसको बिल्कुल ही रीडिजाइन कर दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि यही वाला इंडिया में भी लाया जाएगा, क्योंकि कंपटीशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है। अभी आपने देखा सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में मारुति सुजुकी ब्रेजा को लॉन्च किया जाना है, उसके बाद उसका अपडेटेड वर्जन अर्बन क्रूजर भी आएगी। अब टोयोटा हाईराइडर को भी लॉन्च करने जा रही है हाइब्रिड इंजन के साथ, जो कि एक तगड़ा कंपटीटर हो सकता है मार्केट में किया सेल्टॉस और क्रेटा का। यहाँ पर मार्केट में कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है, अलग अलग ब्रांड लेकर के आ रहे हैं अपनी एसयूवीज। अभी आपने देखा फॉक्सवैगन टाइगन और स्कोडा कुशाक भी मार्केट में आए, जिनकी ऑन रोड प्रेजेंस गजब की है और जिनकी पावर परफॉर्मेंस और माइलेज भी काफी डिसेंट सा है। तो इसीलिए यहाँ पर कंपटीशन हर रोज बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए किया और क्रेटा अपना जो रुतबा है कायम रखने के लिए अपनी एसयूवीज को तगड़े अपडेट्स दे रहे हैं। और जो इसका ऑल ओवर लुक और इंटीरियर निकल करके आया है, ये इसको नेक्स्ट लेवल बनाता है किया सेल्टॉस को। और अब बात करते हैं लीक से निकल करके आने वाली अपडेट्स की किया सेल्टॉस के बारे में। तो ये जो पिक्चर्स अभी आपने देखे, ये ग्लोबल ऑफिशियल पिक्चर्स हैं, यहां पर आपको सनरूफ देखने को नहीं मिल रही। लेकिन ये खबर निकल करके आई है कि किया सेल्टॉस में भी क्रेटा की तरह पैनोरामिक सनरूफ मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा ADAS जो कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम होता है, वो भी इसमें देखने को मिल जाएगा। 360 डिग्री कैमरा इसमें आपको मिल जाएगा। और जो किया सेल्टॉस का टॉप एंड वेरिएंट होगा, उसका ADAS और भी ज्यादा एडवांस रहने वाला है। यहाँ पर रेडार मॉड्यूल का यूज यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही साथ जो 2022 के एंड में किया सेल्टॉस को लॉन्च किया जाना है, तो यहाँ पर आप स्टैंडर्ड देखेंगे 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे। जैसा कि अभी रूल आने वाला है कि अक्टूबर के बाद से सभी गाड़ियों में स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं 6 एयरबैग्स, तो यहाँ पर भी आपको ये 6 एयरबैग स्टैंडर्ड देखने को मिल जाएंगे। इसके जो इंजन स्पेसिफिकेशंस है, जैसा कि इंडिया में अभी जो है फिलहाल, तो यही मान के चलें कि यही इंजन स्पेसिफिकेशंस और ट्रांसमिशन के ऑप्शन रहने वाले हैं। जो इनिशियल प्राइजेस हैं वो बढ़ा दी जाएंगी, पहले के मुकाबले 60 से 70 हजार रुपए महंगा इसको लॉन्च किया जाएगा। यहां पर फीचर अपडेट के साथ साथ आपको सेफ्टी के फीचर्स भी और भी ज्यादा मिल जाएंगे बेस वेरिएंट से ही। तो यहां पर कुछ अगर कॉस्ट कटिंग की जाती है तो आपको देखने को मिल सकता है प्राइस थोड़ा कम हो, अदरवाइज प्राइस 11.5 लाख रुपए से 18.5 लाख रुपए के बीच ही रहने की उम्मीद है। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अभी थोड़ी देर में लॉन्च होने वाली है मारुति ब्रेजा, जिसकी हम पूरी जानकारी लेकर के आएंगे आपके लिए इसी चैनल पर ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।